आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलो आज सीखते हैं पेंटिंग बनाना स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन इज सभी बॉर्डर्स पर हमें टेप लगानी है, अच्छी तरह लगानी है ताकि हम जब उतारे तो क्लीन बॉर्डर मिले हमें। जितनी अच्छी तरह आप लगाओगे उतना ही बेहद अच्छा आपको बॉर्डर मिलेगा। सो स्टेप टू इज, स्टेप टू में हमें ड्रॉ करनी है पेंटिंग जो भी हमें बनानी है। जैसे अब हम बनाएंगे महादेव जी की पेंटिंग, सो उसके लिए एक महादेव जी का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं हम। पेंसिल हमें डार्क ड्रॉ करनी है पेंसिल से ताकि हमें विजिबल रहे। थर्ड स्टेप में हमें बैकग्राउंड को पेंट करना है। बैकग्राउंड को पेंट कर रहे हैं हम ऑरेंज और येलो कलर से। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्सअप करना है जिससे कि बॉर्डर बहुत अच्छा दिखेगा। सो इन दोनों कलरों का मिक्सअप करना है, एट द सेंटर येलो कलर से अच्छी तरह फिल करना है। नाउ स्टेप फोर, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था महादेव जी का उसमें हमें ब्लैक कलर करना है। ब्लैक कलर से क्या होएगा, ऑरेंज और येलो कलर का हमारा बैकग्राउंड है तो ब्लैक कलर से जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था महादेव जी का वो ग्लो करेगा, उसकी वेरिएशन ही अलग आएगी जिससे कि हमारी पेंटिंग बहुत खूबसूरत लगेगी। सो हम पेंट करेंगे इसमें स्मॉल ब्रश यूज़ करेंगे जिससे कि लाइनिंग्स वगैरह अच्छे से बन जाती है। सो नीट एंड क्लीन पेंट करना है जिससे कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उससे बाहर कलर नहीं जाना चाहिए। हमने बहुत डार्क डार्क ड्रॉ किया था पेंसिल से इसलिए हमें अच्छी तरह विजिबल हो रहा है। देन स्टेप फाइव, हमने महादेव हर हर महादेव जी एक स्केच पेन से लिखा है, उसके बाद जो हमने बॉर्डर बनाया था टेप से उसको रिमूव कर देंगे। देखो कितना नीट एंड क्लीन बॉर्डर मिला है अब हमें। सो हेयर इज़ अ पेंटिंग। आप सभी को पेंटिंग कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।